एनएमडीसी टारगेट 28 सितंबर। तो देखिए दोस्तों, चार्ट का रखा, चार्ट की स्टडी करते हैं, राइट। तो अगर आप देखें एनएमडीसी में, तो एनएमडीसी ने एक हाई बनाया था 24 सितंबर को 144 का, वहां से थोड़ा सा नीचे आ गया और अभी देखिए ये रेंज बाउंड में ट्रेड कर रहा है, राइट। तो एक सपोर्ट मान के चलिएगा ये वाला लेवल 138 का, जो 27 सितंबर का लो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर ये लेवल ब्रेक किया 139, तो फिर से नीचे के लेवल से और दिख सकते हैं। ऊपर के लेवल से दोस्तों पहला टारगेट होना चाहिए आपको, जो आज का हाई है 141 क्रॉस किया तो फिर आपको जो है 144 तक का लेवल दिखाई पड़ सकता है। अगर ये लेवल भी क्रॉस किया तो आपको और ऊपर का लेवल दिखाई दे जाएंगे, तो ये लेवल से आप ध्यान रखिएगा। दूसरा शेयर है एनटीपीसी। तो ये देखिए दोस्तों, एनटीपीसी टारगेट 28 सितंबर, राइट। तो मैंने चार्ट का रखा है एनटीपीसी का, देखिए चार्ट में दो बार देखिए 22 सितंबर को इसने हाई बनाया था 126 का, सेम जो है 23 सितंबर को 126 पे सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे किया आ गया, तो 126 पे रेजिस्टेंस है दोस्तों। और देखिए यहाँ पे अभी 124 पे क्लोजिंग हुआ है, और देखिए इस लेवल पे आ गया, यहाँ पे इसी लेवल पे देखिए सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया था, तो मेरा मानना है यहाँ पे फिर से बाउंस बैक कर सकता है। पहला टारगेट होना चाहिए आपको 125 का, 125 क्रॉस किया था आपको 126 तक का लेवल दिखाई पड़ सकता है, तो ये लेवल आप ध्यान रखिएगा।